ओके, वंस अगेन वेलकम एवरीवन। चलिए तो एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऑन द टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। एक और क्वेश्चन हमारे पास, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा मैंने कहा था, 11th में पीछा नहीं छोड़ने वाली आपका कभी भी, और वाकई में ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। 11th में भी कहा था और 12th में भी कह रहा हूँ कि पीछा नहीं छोड़ेगी, और ये तो कभी नहीं पीछा छोड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाई fx इक्वल्स टू साइन 3x। ऐसा इंटरवल फाइंड करो जहाँ पर फंक्शन fx इक्वल्स टू साइन 3x, और x का डोमेन क्या दिया गया, 0 to π/2 close में इज इंक्रीजिंग एंड सेकेंड इन डिक्रीजिंग। चलो भाई बात करते वन बाई वन करके, फंक्शन क्या है। फंक्शन है fx इक्वल्स टू साइन 3x। ये मेरे पास फंक्शन है fx इक्वल्स टू साइन ऑफ 3x। फंक्शन डोमेन क्या दी गई है, डोमेन जो दी गई है वो है x की वैल्यू जो है बिलोंग कर रही है क्लोज इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, अब एक काम इस क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे से करना है कि जब भी आपको देखो यहाँ पे इनपुट क्या जा रहा है, इनपुट क्या जा रहा है, x जा रहा है। इनपुट क्या जा रहा है, x जा रहा है। बिल्कुल गलत, मैं बॉक्स बना रहा हूँ 3x पे और बोल रहा हूँ x, तो आप कह रहे हैं यस। x इनपुट क्या जा रहा है, 3x। तो अगर x की वैल्यू 0 to π/2 मूव करेगी तो भैया 3x की वैल्यू कितनी मूव करेगी, कोई भी बता लेगा ये बच्चा, 0 to 3π/2। अब जरा इसको अपने देसी अंदाज में समझ लीजिए, ये जा रहा है 0 to 90 degree, कौन, x, और 3x कहाँ वेरी करेगा 0 to 270 degree। अच्छी बात है भाई, हमको पता क्या लगाना है, हमको पता वो इंटरवल लगाना है जहाँ पर अपना ये जो साइन 3x है ना क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली नहीं बोला गया है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में हमको बोला गया है। ग्राफ बना करके हमको कोई मतलब नहीं है, ग्राफ बनाने से मार्क्स मिलने वाले नहीं, इसलिए मैं सीधे मेथड पे आता हूँ कि सीधे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो f'x निकाल लिया अपन ने, f'x कितना है अपने पास, साइन 3x का डिफरेंशिएशन आप सब लोग जानते होंगे, 3 cos 3x। अब क्या करते हैं, अब पता करना आजू बाजू, बट किसके, क्रिटिकल पॉइंट के। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट पता करेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास निकालने के लिए हम f'x को 0 के इक्वल करेंगे, करेंगे ना। तो भाई चलो f'x इक्वल टू 0 कर दिया, मतलब कि 3, इसको आप नंबर 1 दे दो क्योंकि आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो f, सो 3 cos 3x इक्वल्स टू 0 हो गया, cos 3x भी 0 हो गया। अब भाई कुछ याद आया, क्या याद आया आपको, कुछ याद आया कि नहीं आया, cos 3x इक्वल टू 0, सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे x के, ज़रूर आपने पढ़ा होगा बचपन की क्लासेस में कुछ ऐसा। अगर cos x इक्वल्स टू 0 होता है तो x इक्वल्स टू होता है 2n+1π/2, मतलब cos की वैल्यू 0 होती है कहाँ पर, पाई के ऑड मल्टीपल्स पर होती है ना। तो यहाँ पे आएगा 3x इक्वल्स टू 2n+1π/2। ठीक है बच्चों, बोले हाँ है ना, 3x इक्वल्स टू 2n+1π/2। देखो भाई अब यहाँ पे इसकी जगह कौन है, 3x है ना, इनपुट तो 3x है, तो 3x इक्वल्स टू 2n+1π/2 ये हमारे पास आ गया है। तो हमें तो x चाहिए है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन होता है इंटरवल x में डिज़ाइन होता है। तो x विल बी 2n+1 एंड दिस विल बी π/6। एनी प्रॉब्लम, 2n+1π/6। अब हमें x की वो वैल्यू निकालनी है, अगर आप 3x की निकालते तो आपको प्रॉब्लम होती, क्यों, क्योंकि 0 से लेकर 270 के बीच की निकालनी पड़ती। अब x की निकालोगे तो कहाँ से कहाँ के बीच की निकालनी है, 0 to 90, क्योंकि ये छोटा इंटरवल है। तो किस में खेलेंगे हम, x में, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, n इक्वल टू 0 ले लेता हूँ मैं, n इक्वल टू 0 पर कितना आएगा ये, n इक्वल टू 0 पर ये आएगा 2 × 0 + π/6। बिल्कुल सही है, मतलब x की वैल्यू π/6, मतलब कितने डिग्री बच्चों, 30 डिग्री। अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल अंदर है, क्योंकि 0 to π/2 के अंदर है। अब आप ऐसा नहीं कि 30 ले रहे हो और देख रहे हो इसके अंदर 0 to 270, ऐसा मत कर देना। ओके, n की वैल्यू जरा -1 लेके देखो, हो सकता है वो भी अंदर आ जाए, तो ये कितना हो जाएगा, -2 + 1, -π/6 आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तो माइनस साइड में अपन को जाना ही नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग कहाँ से है, 0 से। अब n इक्वल टू क्या लेके देखें, हाफ, 0.5 लेके देखें, n इक्वल टू 0.5 लेके देखें, आपने हाँ कह दिया,
जबकि n की वैल्यू यहाँ सब में होती है इंटीजर, क्या होती है इंटीजर होती है, इंटीजर और नहीं इंटीजर। तो n की वैल्यू हम 0, 1, 2, 3 ले सकते हैं, है ना, माइनस 0.5 वगैरह कुछ नहीं ले सकते, n की वैल्यू 1 ही आएगी। अब तो x इक्वल टू 2 × 1 3π/6, मतलब कितना, π/2। ओके, मतलब खुद 90 डिग्री भी क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब 90 डिग्री खुद भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। तो चलिए, हमारे पास दो इंटरवल बन चुके हैं, एक बन चुका है π/6 और एक बन चुका है π/2। तो आओ इनको सजाते हैं, चलो इनको सजाते हैं। किस पे सजाएंगे भाई, सीधी बात है, डोमेन पे सजाएंगे। हमको डोमेन क्या दिया गया है, sin 3x का, वैलिडिटी दी गई कहाँ से, जीरो से। जीरो पे क्या है, क्लोज है, तो बॉक्स लगा दो, डॉट पढ़ा होगा ना आपने, जीरो पे डॉट। π/2 पे भी क्या है, क्लोज है, तो π/2 पे भी आपने डॉट लगा दिया और एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गया, कितना, π/6। ओके, तो यदि आप डिसजॉइंट इंटरवल बनाते हो, डिसजॉइंट इंटरवल मतलब ऐसे इंटरवल जो एक दूसरे को आपस में टच ना करें, तो एक इंटरवल बनेगा 0 to π/6 ओपन वाला, और दूसरा इंटरवल बनेगा आपके पास, एंड दूसरा इंटरवल जो बनेगा आपके पास वो बनेगा π/6 ओपन टू क्लोज π/2। ओके, अब आइए इन पर हम नेचर चेक करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें इंटरवल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा साइन ऑफ, किसका साइन बच्चों, f डैश x का साइन लिखना पड़ेगा, f डैश x का, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें नेचर। ओके, तो इंटरवल हमारे पास पहला इंटरवल लेना है क्या, क्लोज 0 to π/6 ओपन। अब बच्चों ध्यान से देखो भाई, ज़ीरो आपका क्या है, ज़ीरो आपका क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है, बोलो है कि नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं है ज़ीरो, ज़ीरो आ ही नहीं रहा था, कहाँ पे नहीं आ रहा था, ये देखो आप इसमें कहीं भी देख लो, अरे कुछ नहीं आ रहा था भाई, ज़ीरो कहाँ आ रहा है आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट में तो दो ही पॉइंट आए ना, एक 30 डिग्री और एक 90 डिग्री, मतलब ज़ीरो आपका रेस्ट पॉइंट तो नहीं है, ज़ीरो आपका रेस्ट पॉइंट नहीं है, ज़ीरो आपका एक नॉर्मल पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट। तो ज़ीरो इंक्लूड है और π/6 इंक्लूड नहीं है, मतलब ज़ीरो से लेके 30 डिग्री के बीच की वैल्यू, क्लोज ज़ीरो से लेके 30 डिग्री के बीच की वैल्यू पे हमको एनालिसिस करना है कि फंक्शन का नेचर क्या है। तो ज़ीरो से लेके 30 डिग्री के बीच की कोई वैल्यू ले लो, अब बीच की क्यों ले लें, हमारे पास वैलिडिटी तो है, ज़ीरो क्लोज है ना, तो ज़ीरो ही ले लें, ज़ीरो आपने क्लोज दिया, हमें पूरा राइट दिया ज़ीरो से क्लोज करने का, और इंटरवल हमारा 0 to 30 बन रहा है, तो ज़ीरो क्लोज है, तो हम ज़ीरो ही लेके चेक करेंगे। तो अपने पास फंक्शन क्या था, फंक्शन था अपने पास 3 cos 3x था, अपन इस पे 0 रख के देखते हैं, 3 cos 3x पे अपन 0 रखते हैं, तो 3 × cos 3 × 0 कितना हुआ, 1, 3 cos 3x cos 3 × 0 cos 0 cos 0 = 1। अरे भाई देखो, 3 × 1 आंसर कितना आएगा, 3 क्या होता है, less than 0 greater than 0, तो 3 is greater than 0, मतलब यहाँ वाले तक में ये फंक्शन क्या होगा, यस f'x का ही साइन लिख रहे हैं हम, सो दिस इज़ ग्रेटर देन जीरो, और यू कैन से पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो को पॉजिटिव भी तो बोलते हैं, है ना, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बताइए इस इंटरवल में जो अपना फंक्शन है क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, क्या आ रहा है, बिल्कुल सही, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपने अच्छी बात यहाँ पे ये की है कि आपने इसको ज़ीरो को लगे होने के बाद आपने इसको स्ट्रिक्टली बोला, तो ये आपने सही बोला या गलत बोला, बिल्कुल सही बोला है आपने, गलत नहीं बोला है, गलत इसलिए नहीं बोला है क्योंकि ये ज़ीरो क्रिटिकल पॉइंट नहीं है ना, ये रेस्ट पॉइंट नहीं है, ये तो नॉर्मल पॉइंट है, यस और नो, तो ज़ीरो पर ही तो नेचर वन आया, ज़ीरो पर ही तो स्लोप, ज़ीरो पर ही तो हमने वैल्यू निकाली ना, तो उस पर अगर वो रेस्ट पॉइंट होता तो आंसर कितना आता, ज़ीरो, बट वो रेस्ट पॉइंट है ही नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। बेटा ये है क्रिटिकल पॉइंट, इसको तो हमने इग्नोर मार दिया ना, देखो तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आ रहा समझ में। दूसरा अगला इंटरवल देखता हूँ, अगला इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल π/6 to π/2 क्लोज, ओ माय गॉड, π/6 to π/2, 30 डिग्री टू 90 डिग्री, अच्छा 90 डिग्री इंक्लूडेड है, देख लो इंक्लूडेड है, अच्छा 90 डिग्री पर तो अपन को रेस्ट मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा, मतलब जो भी है अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो ये आपको स्ट्रिक्टली तो नहीं मिलेगा, जो भी मिलेगा इंक्रीजिंग मिलेगा या डिक्रीजिंग मिलेगा। अब ये पता करना है कि मिलेगा क्या,
पाई बाई टू पर चेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि पाई बाई टू क्या है, रेस्ट है। पाई बाई टू क्या है, रेस्ट पॉइंट है या क्रिटिकल पॉइंट है। तो 30 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच का कोई वैल्यू ले लो, कोई होता है बीच में, 60 डिग्री ले लिया, बिल्कुल सही। 60 को क्या बोलते हैं अपन, पाई बाई थ्री, क्या बोलते हैं, पाई बाई थ्री। तो चलिए इस पर देखते हैं, 3 cos 3x पर देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। ये लिखा मैंने 3 cos 3x और आपने कहा सर 60 डिग्री वैल्यू ले लीजिए। तो चलिए 3 cos 3 into 60 डिग्री मीन्स कितना, पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, ये एंगल में है, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा ऐसा तो नहीं है ये वाला 3 इसको काट दे, तो 3 cos pi 3, cos pi की वैल्यू कितनी होती है, -1, cos pi की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आंसर कितना आया, -3। क्या देख रहा है, नेगेटिव या पॉजिटिव, मतलब इस पर ये जो फंक्शन है अपने पास, दिस इज, तो पहले क्या था, कोई भी वैल्यू है अपन को तो साइन लिखना है, 3 into 1 लिखने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे तो केवल साइन लिखना है ना अपन को पॉजिटिव। तो जैसे यहाँ पे अपने पास क्या आया, नेगेटिव आया, क्योंकि ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव है और ये क्वांटिटी नेगेटिव आ गई। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि पहला वाला पार्ट प्लस है, दूसरा वाला पार्ट माइनस है, तो ओवरऑल पार्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अपने पास क्या आ गया, d/dx < 0। तो बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फंक्शन क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कैसा होगा, डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही, ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर पाई बाई टू आपने इंक्लूड कर रखा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बताइए कि हमें फंक्शन इंक्रीजिंग बताओ और डिक्रीजिंग बताओ, तो ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल है, अभी इंक्रीजिंग का इंटरवल हमें बनाना है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करना होगा, रेस्ट पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, रेस्ट पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड। तो योर इंटरवल विल बी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/6, व्हाट, क्लोज और ओपन, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग इट शुड बी क्लोज बिकॉज रेस्ट पॉइंट इंक्लूड कर लिया। सो इन दिस फंक्शन योर फंक्शन इज इंक्रीजिंग, बट इन हेयर योर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, यहाँ पर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, बट यदि आप यहाँ पे देखो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली यहाँ पर तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग, बट यदि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करूँ मैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो बताइए आपका इंटरवल क्या होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए क्या करूँगा मैं, पाई बाई सिक्स ओपन टू पाई बाई टू ओपन, बिल्कुल सही। तो इन दो इंटरवल में आपका आंसर जो आएगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा। चलिए आंसर देखते हैं इसका, तो देखिए हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है, इंक्रीजिंग के लिए जहाँ पर बात की गई है तो 0 और पाई बाई 6 को इंक्लूड कर लिया है, और डिक्रीजिंग के लिए जहाँ पर बात की गई है तो पाई बाई 6 तो पाई बाई 2 को, तो आप दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो भी डिक्रीजिंग है, अगर सिंगल को इंक्लूड करेंगे तो भी डिक्रीजिंग है, सिंगल को इंक्लूड करेंगे तो भी डिक्रीजिंग है, और दोनों क्रिटिकल पॉइंट आएंगे तो भी डिक्रीजिंग है। तो हर केस में आपका आंसर सही आ रहा है, आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। आई फील आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से, आप एक बार इसको देख लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है, हमें इंटरवल का खास ध्यान रखना है कि इंक्रीजिंग पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है कि डिक्रीजिंग पूछा है, उसको देख के ही हमें सॉल्व करना है। ओके.